आज हमारा विषय देव गुरु और धर्म। भाई और बहनों, ये त्रिपदी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है और ये गंगा जमुना सरस्वती है, ये त्रिवेणी है, ये तीन जो सूत्र है और ये तीन जो बड़े आयाम है, ये हमें बंधन से मुक्ति की ओर ले जाते हैं, ये हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। और इनको समझने से हम इतने श्रद्धावान हो जाते हैं कि हमारा जीवन प्लेजर से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और मेंटल पीस जीवन का सबसे बड़ा जो सुख होता है, हम अगर सांसारिक जीवन को भी देखें, अगर हमारी मेंटल पीस बनी रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो वह एक छोटे रूप में मोक्ष का स्वरूप है। और जब हमारी मेंटल पीस 24 आवर्स बनी रहे, जिंदगी भर बनी रहे, वह अक्षय सुख होता है, वह अल्टीमेट मोक्ष कहलाता है, वह अल्टीमेट मुक्ति कहलाती है, वह अल्टीमेट स्वतंत्रता कहलाती है। और जितना दुख है वह हमको प्रतंत्र बना देता है। कैसे प्रतंत्र बना देता है? कि दुख के वशीभूत होकर के हम नकारात्मक सोचते हैं और हमारा शरीर काम नहीं करता, हमें उदासी आती है, हम डिप्रेशन आते हैं। और कई लोग तो दुख में इतने दुखी हो जाते हैं, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करते करते वो कोमा में भी चले जाते हैं और 10-10 साल तक रेगुलर वो कोमा में रहते हैं। तो भाई और बहनों, आज जो हम देव गुरु धर्म की परिभाषा करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि देव गुरु धर्म में विश्वास करने वाला सम्यक दर्शनी होता है, जो सम्यक दर्शन होता है उससे मुक्तता की नींव ले जाती है। किसी को जीवन में एक बार सम्यक दर्शन राइट डायरेक्शन मिल गई, इसका मतलब वह मुक्त जरूर होगा। मुक्त का अर्थ होता है अक्षय सुख को प्राप्त करेगा और ब्लिस को प्राप्त करेगा। ब्लिस के अंदर 1% भी दुख नहीं होता है। हम बार बार ब्लिस की क्यों बात करते हैं? कि हम जो वर्तमान जीवन के अंदर जी रहे हैं, कभी सुख आया कभी दुख आया, ये सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं और झूल करके ऊब जाते हैं। और हम चाहते हैं कि इस जिंदगी से त्राण मिले, हमको ब्लिस मिले। तो हमारा जो उद्देश्य ब्लिस है, और हमारी भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ चतुष्टय में भी साध्य को ब्लिस बताया है, वह क्या है? काम और अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ हमारा जो लौकिक जगत है, हमारा व्यवहार जगत है, उसके द्वारा उसको जीवने का साधन है। और जो हमारा ब्रिज है वो धर्म है, वो धर्म में मुक्ति को ले जाता है। काम और अर्थ को एंजॉय करते करते हम अगर धर्म का भी समावेश करते हैं तो वो धर्म जो एक ब्रिज का काम करते हैं, और हमें दूसरा तट है वो मुक्ति का तट है। एक तट हमारा बंधन का है, दूसरा तट हमारा मुक्ति का तट है। तो इस बंधन के तट से अगर मुक्ति के तट में हम जाना चाहें तो हम धर्म रूपी ब्रिज को काम में लेते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारी भारतीय संस्कृति का जो है पुरुषार्थ चतुष्टय की बहुत लाइफ स्टाइल जीवन शैली बनी हुई है। तो हम देव की बात कहते हैं, देव को कहा गया है अर्यं तो मा देवो, मेरा देव कौन है? मेरा देव ऐसा है, उसका नाम अर्यंत है। अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नाश करने वाला। मेरा जो देव है, मेरा जो भगवान है, वो दुश्मनों का नाश करता है। बताइए, ये परिभाषा में किसी को कोई तकलीफ हो सकती है? 7 अरब की जनसंख्या के अंदर जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, उनको किसी को भी इस परिभाषा से एतराज नहीं हो सकता कि मेरा ईश्वर वह है जो राग द्वेष विजेता है, दुश्मनों का नाश करने वाला है। दुश्मन कौन से हैं? क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। इसको एक शब्द में कहें तो कषाय कहलाता है, 2 शब्द में कहें तो राग द्वेष कहलाता है। राग के अंदर माया और लोभ आते हैं, द्वेष के अंदर क्रोध और मान आते हैं। तो इसका ब्रेकअप है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि राग द्वेष विजेता मेरा भगवान है और भगवान वो शुद्ध है। जब जिस भगवान ने राग द्वेष को जीत करके, राग द्वेष को शून्य करके, राग द्वेष अज्ञान है, उस अज्ञान को पूरा धो डाला, तो धो डालने के बाद के अंदर ये हमारी मुक्त आत्मा जो भीतर विराजमान है वो मुक्तता को प्राप्त हो जाती है। अभी ये बंधन में क्यों है? किसके साथ में? राग द्वेष रूपी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्मण शरीर, सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। और वो सूक्ष्म शरीर राग द्वेष है, नए राग द्वेष को पैदा करता है। राग द्वेष एक फैक्ट्री है,
वह फैक्ट्री वो बाहर से जो है वह रॉ मटेरियल लेकर के फिर इसके अंदर डालती रहती है। तो हमें इस राग द्वेष रूपी फैक्ट्री को जीतना है, इस राग द्वेष फैक्ट्री को समाप्त करना है। वो समाप्त करने वाला देव कहलाता है। तो ऐसा हमारा शुद्ध देव है, वो हमारा एक आइडियल है, वो हमारा एक आदर्श है कि हमको भी अरिहंत बनना है। अरिहंत का अर्थ होता है कि हमारे कॉजल बॉडी को धीरे 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 वो शुद्ध करके जीरो करना, और उसको जीरो करने का नाम ही पुरुषार्थ है।